अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे पिशावर म्यूजियम को, इसका फुल इनसाइड टूर करेंगे। यहाँ पर जो गंदाहारा सिविलाइजेशन इस एरिया में गुजरी है उसकी कुछ आर्ट वर्क्स हैं। ये डबल पोर्शन है ना, यहाँ पे जो नीचे पोर्शन में उधर ये स्टैचूज हैं, और साथ ही जब ऊपर पोर्शन में हम जाएंगे तो वहाँ पे इस्लामिक एरा की जो चीज़ें वो है, स्वॉर्ड्स वगैरह हो गए, तलवारें हो गई। अभी जाते हैं अंदर का टूर करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलें शुरू करें। आप देख सकते हैं ये आउटसाइड है शावर म्यूजियम, इसको उर्दू में अजायब घर भी कहते हैं। ये इसका गेट है, तो यहाँ से अभी अंदर जाते हैं और अंदर फुल टूर करते हैं, नीचे भी और ऊपर भी। इनसाइड ये स्टैचूज यहाँ पे हैं, और बाकी यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो आप चेक करें, माशाल्लाह हिस्टोरिकल टाइप है, उस तरह का बना है। तो इस साइड से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से फुल ऐसे हम जाएंगे और आपको सारा मैं जो है रखी हुई इन्होंने डेकोरेशन में चीज़ें को सारी आपको बताते जाऊँगा। डिस्प्ले में नहीं है, लेकिन ये आप लिखे सेंड टू चाइना फॉर एग्जीबिशन। इधर जो कुछ और तरह की जो आर्ट वर्क्स हैं वो जो है चाइना भिजवाए हैं एग्जीबिशन के लिए। जो है ये इस तरह जो है कवर हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इस तरह ये लेफ्ट साइड पे है और वहाँ पर जो है राइट साइड पे, इस साइड पे भी आते हैं, तो यहाँ पर भी स्टैचूज वगैरह हैं, इधर भी जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, डबल साइडेड जो है इन्होंने स्टैचूज वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर भी कुछ आर्ट वर्क पड़ा हुआ है, देख सकते हैं डिस्प्लेड है यहाँ पर भी। सकते हैं आप अख्तेबाही में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट थे ना, ये उसका जो है मॉडल है, मॉडल आप देख सकते हैं। ऊपर डांसिंग पोजेस बने हुए हैं, इस वाले को भी जो है हंटिंग सीन है, इसी पर हंटिंग सीन जो है आर्ट वर्क।
और ये जो आप देख सकते हैं ये है मॉडल ऑफ स्टूपन, स्टूपन लिखा हुआ ये देख सकते हैं। बाकी ये इस साइड का जो था टूर हो गया। यहाँ पर भी ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये है लॉर्ड बुद्धस होली रिलाइज फ्रॉम थाईलैंड लिखा हुआ आपने देख लिए। बाकी यहाँ पे मेन जो है एंट्री में भी आपको नज़र आ सकते हैं सारे जो है स्टैचूज ही पड़े हैं। अभी इस साइड पे जाते हैं और ये बाकी 8 वर्ष पे हुआ सारा। और ये कुछ हेड्स हैं, ये हेड्स हैं ज़्यादातर जो है स्टैचूज ही हैं। इसी अंदर जो है हर स्टैचू के साथ लिखा हुआ है बुद्धा इन मेडिटेशन, देखिए बुद्धा मेडिटेशन में है और ये भी मेडिटेशन है तकरीबन के बारे में। बाकी ये बस ये हर एक के अपने अलग अलग पोजेज हैं और साथ में लिखा हुआ है कि क्या पोज है। फिर यहाँ पर ये स्टोन स्लैब है, इसके ऊपर देखें लिखा हुआ है कुछ लिखाई हुई भी है। ये सारे स्टोन्स हैं बाकी देख सकते हैं। और ये भी कुछ फोर साइडेड जिन्होंने हैं स्टैचूज रखे हैं। बाकी ये सारे स्टोन्स हैं, कुछ पे कुछ लिखा हुआ है और कुछ सारे स्टोन्स हैं अभी इनके ऊपर लिखा हुआ है जो उनकी लैंग्वेज थी उस दौर की ये लिखी हुई है। और इसके ऊपर भी देख सकते हैं बाकी यहाँ पर भी जो है वही स्टैचूज वगैरह हेड्स पड़े हैं, ये भी हेड्स पड़े हुए हैं सारे बुद्धिस्ट के हैं ये देख सकते हैं। ठीक हो गया तो बस ये साइड का जो था टूर। अच्छा ये तो जो है कवर हो गया नीचे का पोर्शन, अभी ऊपर जाऊंगा। ऊपर जो है ट्राइबल गैलरी भी है और साथ में मुस्लिम एरा की भी जो है चीज़ें पड़ी हैं तो अभी ऊपर जाता हूँ। यहाँ से सीढ़ियाँ इधर से ऊपर जाने की, तो पहले जाते हैं ट्राइबल गैलरी देखते हैं, ट्रैवल गैलरी टूर करते हैं फिर उसके बाद मुस्लिम महत की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ बंदूकें वगैरह पड़ी हुई हैं पुराने ज़माने की। इस साइड पे भी ये भी बंदूकें वगैरह हो गई मज़र रिलेटेड, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिस्टल्स वगैरह और ये भी बंदूकें आप देख सकते हैं, ये बंदूकें वगैरह आप देख सकते हैं पुराने ज़माने की जो यूज़ होती थी। यहाँ पे देखते हैं कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं कुछ, ये मेमोरियल हॉल ये यही है जो पेशावर म्यूज़ियम है पहले, ये जो इसका नाम था विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और अभी इसको पेशावर म्यूज़ियम की है। बाकी आप ये पिक्चर्स भी देख सकते हैं काफ़ी फोटो, यहाँ पर ये सारी पिक्चर लगी है पुराने जो पुराना पेशावर है उसकी। ये किसा खानी बाज़ार है और ये भी किसा खानी बाज़ार की फायरिंग वगैरह इंसिडेंट 1930 का देख सकते हैं डेट भी नीचे लिखी है। ये 1930 किसा खानी बाजार जो है फायरिंग इंसिडेंट, ये ट्राइबल आर्मी जो थी ये उनके स्टैचूज हैं देख सकते हैं आप, गन्स वगैरह है इनके आपको नज़र आ रहे होंगे ये साइड भी गन्स वगैरह हैं दोनों की, ये उनके जो उस टाइम की जो है उसे कंपोनेंट्स हैं ये सारे हैं, रबाब हो गया तबला हो गया ये सब हो गए। बाकी जंग जो आर्मरी यूज होती थी ये देख सकते हैं आप, बाकी ये सारी जो जंग में यूज़ होने वाली इनकी जैसी ये कॉपर गन्स ये सारी इधर इनकी जो गन्स वगैरह हैं और ये पिस्टल्स वगैरह इनकी, ये सारी ज्वेलरी देख सकते हैं आप इनकी ज्वेलरी वगैरह ये ज्वेलरी ये सारी इनकी ये देख सकते हैं आप। और ये इनके जो हैं हाउस होल्ड ट्रेडिशनल जो इनके हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जो थे ये वो ये देख सकते हैं, इधर भी ये हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स अंदर ये देख सकते हैं आप भाई हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। और ये जो है रिप्रेजेंटेशन है ट्राइबल, आप देख सकते हैं इन्होंने स्टैचूज बनाए हुए हैं ट्राइबल रिप्रेजेंटेशन, वो किस तरह के कपड़े वगैरह पहनते थे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फीमेल्स वगैरह और बाकी इनके कपड़े वगैरह
यहाँ पे हैं, इस साइड पर भी जो है ये सारे कपड़े वगैरह हैं और इस साइड पर भी। बाकी बस उनके बस स्टैचूज बनाए मैंने कि उस टाइम भी सारा घोड़े वगैरह होते थे, ये सारी चीज़ें। तो ये इस साइड का जो है टूर हो गया। तो अब जाता हूँ इस्लामिक एरा की चीज़ों की तरफ और वहाँ का भी टूर देता हूँ। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी तस्वीरें वगैरह यहाँ पे रखी हुई हैं, जो पुराने दौर के जो क्वीन है उधर किंग है, ये क्वीन है, बाकी चीन की यहाँ पे फोटोज वगैरह ली हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन मेड आर्मर की आर्मरी आप चेक कर सकते हैं, जंग में जो लोग पहनते थे वो ये। कुछ पुराने यहाँ पे फ्रेम तस्वीरें भी रखी हुई हैं, ये एबटाबाद 1860 ब्रिटिश पीरियड का जो है एबटाबाद की, यहाँ पे नाइस वगैरह जो तलवारें उनकी ये देख सकते हैं आप, और इस साइड पर भी तलवारें स्वॉर्ड्स वगैरह, और ये ब्रिटेन कैमल पासिंग थ्रू खैबर पास 1900, इतनी पुरानी फोटो। वाला हिसार फोर्ट ये देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे एक्स और उनकी जो सेफ्टी की जो आर्मर्स थे वो हैं, और इस साइड पर भी पिक्चर्स कुछ लगी हुई हैं साइड पर। और अभी इस साइड पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको फुल टूर इस जगह पर भी करा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये इस्लामिक एरा की सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं, इस्लामिक एरा की ये सेक्शन जो है इस्लामिक एरा का। ये जो है कुल मुजाहिदीन का ट्राउज़र है ये, और उधर लिखा हुआ है, उधर नीचे उन्होंने लिखा हुआ रखा हुआ है, उसका शील्ड हुआ है, लेदर शील्ड बना हुआ है आगे यहाँ पे शील्ड, और ये सैयद अहमद शहीद उसका कोट है। और ये सर ये यहाँ पे जो है पुरानी तस्वीरें यहाँ पे लगाई हुई हैं, ये कुरान है जो पुराने ज़माने में लिखे गए थे, देख सकते हैं होली कुरान स्क्राइब इन नक्श स्टाइल, और ये नक्श स्टाइल में ये वाला भी यहाँ पर होली कुरान लिखा हुआ है देख सकते हैं। बाकी हम और यहाँ पर भी जो है होली कुरान एंड दिस वन आल्सो कैन सी, बाकी ये सारा भी आप देख सकते हैं। इस साइड भी जो है ज़्यादातर इस्लामी कह रहा है कि जो होली कुरान रखे हुए हैं कुरान मजीद में रखे हुए हैं माशा। और ये जो है कुरानिक एंड मैन्युस्क्रिप्ट गैलरी, यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा, बस ये इनसाइड आप देख सकते हैं यहाँ पे कुरानिक गैलरी सारी आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेम में। इस साइड पे कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है ये इन्होंने कुरान रखे हैं। तो ये फुल जो था मुस्लिम एरा जो गुजरी है उनकी जो चीज़ें थी वो यहाँ पर हैं, बाकी ये स्टोन्स वगैरह भी पड़े हैं, यहाँ पर भी जो है स्टोन पे लिखा हुआ पड़ा है। ये आप देख सकते हैं कुरान माशाल्लाह कितने बड़े पेजेस हैं, ये वो भी रखे हुए हैं यहाँ पर, और ये स्टोन वगैरह और यहाँ पर भी जो स्टोन। तो ये फुल जो था मुस्लिम एरा हो गया, ट्राइबल गैलरी आपको दिखा दी, और बाकी सारा फुल म्यूज़ियम का टूर जो है मैंने आप लोग को जो है करा दी। अब यहाँ का बाहर से भी आपको मैं म्यूज़ियम थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चमन है इस म्यूज़ियम का, और ये म्यूज़ियम का आउटसाइड आपको मैंने शुरू में दिखाया है और ये भी मैं दिखा रहा हूँ। बाकी ये जो है इस जगह का ये लॉन हो गया, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बस ये छोटा सा लॉन एक ये है ठीक है, और ये इस साइड से जो है फुल आप देख सकते हैं ये पेशावर म्यूज़ियम, और माशाल्लाह आपको अंदर से भी दिखाया बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही हिस्टोरिक बना हुआ है। हर एरा की जो है चीज़ें, ट्राइबल गैलरी हो गई, मुस्लिम एरा की हो गई, बुद्धिज़्म के जो बुद्ध स्टैचूज़ वगैरह हैं आपको वो भी मैं दिखा दी। फुल इनसाइड ये टूर था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।